चंबा जिला में मादक पदार्थों की तस्करी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन चंबा पुलिस ने कई व्यक्तियों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही चंबा पुलिस की SIU की टीम ने अपने अभियान के दौरान 3 बार चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बावजूद इसके चरस तस्करों के हौसले बुलंद है। आइए आपको बताते हैं। पुलिस की टीमें लगातार चरस तस्करी को रोकने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं, लेकिन तस्करों के बार बार पकड़े जाने से साफ जाहिर होता है। अब इसी चरस के अभियान के तहत चंबा से करीब 5 किलोमीटर दूर चंबा साहू मार्ग पर गांव भियोड़ के पास DSP चंबा वीर बहादुर सिंह व पुलिस की SUI की टीम ने परौथा से चंबा आ रही एक निजी बस को चेकिंग के लिए रोका। इस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 600 ग्राम चरस बरामद की गई। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए व्यक्ति की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है और यह शाहपुर कंडी पठानकोट का रहने वाला है। पुलिस अब इसे अदालत में पेश कर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने NDPC की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आज सुबह 7 बजे SIU की टीम हमारी चंबा की है, उन्होंने नाका लगाया हुआ था ये चंबा परौथा साहो रोड पर, और इसमें प्राइवेट बस है शिवा कोच करके, ये ऊपर जो कि साहो से चंबा आ रही थी, इसको जब रूटीन में चेक किया इन्होंने नाके के दौरान, SIU की टीम के प्रभारी दिनेश, सब इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल वीरेंद्र, तो इन्होंने पाया कि एक शख्स जो था विनोद बाबा करके, ये पठानकोट शाहपुर कंडी का रहने वाला है, उसके पास से 600 ग्राम चरस जो है। तो हमारा ये अभियान चरस मादक पदार्थ अधिनियम के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और हमारा ये अभियान लगातार जारी है और आगे भी हम नशे के खिलाफ जो है इस प्रकार से कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। इस मौके पर DSP वीर बहादुर सिंह ने कहा कि नाके के दौरान 600 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। विनोद बाबा नाम का यह व्यक्ति पंजाब के पठानकोट से संबंध रखता है। इसे NDPC की धारा 20 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा।